इस पेंटिंग को बनाने के लिए हम सबसे पहले फैब्रिक को पानी से गीला करेंगे। अब ग्रीन कलर लेकर के उस कलर को हम नीचे हाफ फैलाएंगे। इसके लिए आप कलर में हल्का सा पानी मिक्स कर लीजिए। अब ऊपर की तरफ मो कलर में हम पानी मिक्स करके और कलर स्प्रेड करेंगे। तो ये कलर हमको इवनली स्प्रेड करना है। अगर आपके पास मो कलर नहीं है तो आप डीप ब्रिल पर्पल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब वेट फैब्रिक पर ही आप ग्रास की स्टाइल में डार्क ग्रीन कलर से ग्रास बनाइए। अब हम वेट फैब्रिक पर ही लेवेंडर फ्लावर का शेप देंगे। तो ये हम अल्ट्रा मरीन ब्लू कलर से बना रहे हैं। वेट फैब्रिक पे कलर स्प्रेड होता है, इसलिए लेवेंडर फ्लावर का जो शेप आपको चाहिए उस शेप से थोड़ा छोटा पेंट करिएगा। अब फैब्रिक ड्राई होने के बाद में हम फिर से डार्क ग्रीन कलर लेकर के और ग्रास बनाएंगे। अब लाइट ग्रीन में थोड़ा लेमन येलो मिक्स करके कुछ लाइट ग्रास बनाएंगे। अब अल्ट्रा मरीन ब्लू में थोड़ा वाइट मिक्स करके और इस तरह से हम स्ट्रोक्स देंगे लेवेंडर फ्लावर बनाने के लिए। लेवेंडर फ्लावर में वाइट, पिंक और ब्लू लेकर के और इस तरह से आप स्ट्रोक्स देकर के पूरा लेवेंडर फ्लावर बनाइए। अब कुछ और ग्रास हम बनाएंगे। अब छोटे व्हाइट फ्लावर बनाने के लिए जीरो नंबर ब्रश के टिप को रखिए और उसको पीछे की तरफ थोड़ा बेंड करिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.